कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। डिंडोरी जिले के शहपुरा नर्मदांचल जैविक कृषि फार्म डोंडा में जैविक कृषि प्रशिक्षक बिहारी लाल साहू द्वारा बताया गया कि हरी खाद एजोला एक जैव उर्वरक है। एक तरफ जहां धान की उपज बढ़ाती है, वहीं एक कुक्कुट मछली और पशुओं के चारे के काम आता है। एजोला एक तैरती हुई फर्न है जो शैवाल से मिलती जुलती है। सामान्यतः एजोला धान के खेत या उथले पानी में उगाई जाती है। यह तेजी से बढ़ती है। एजोला पशुओं के लिए पौष्टिक आहार है। पशुओं को खिलाने से उनका दुग्ध उत्पादन बढ़ जाता है। एजोला पानी में पनपने वाला छोटा बारीक पौधों के जाति का होता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में फर्न कहा जाता है। एजोला की पंखड़ियों में एनाबीना नामक नील हरित काई के जाति का एक सूक्ष्म जीव होता है, जो सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय नत्रजन का योगीकरण करता है और हरे खाद की तरह फसल को नत्रजन की पूर्ति करता है। एजोला की विशेषता यह है कि यह अनुकूल वातावरण में 5 दिनों में दोगुना हो जाती है और यदि इसे पूरे वर्ष बढ़ने दिया जाए तो 300 टन से अधिक सेंद्रीय पदार्थ प्रति हेक्टेयर पैदा किया जा सकता है, यानी 40 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त एजोला में 3.5% नत्रजन तथा कई तरह के कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। धान के खेतों में इसका उपयोग सुगमता से किया जा सकता है। 2 से 4 इंच पानी से भरे खेत में 10 टन ताज़ा एजोला को रोपाई के पूर्व डाल दिया जाता है। एजोला के उपयोग से धान की फसल में 5 से 15% उत्पादन वृद्धि संभावित रहती है। नमस्कार बंधुओं, मैं बिहारी लाल साहू, भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष डिंडोरी। आज हम देखेंगे कि ये एजोला है। ये एजोला को हमने बनखेड़ी से लेके आया था, थोड़ा सा जितना मैं रखा हूँ इतना ही लेके आया था। और इसको बनाने के लिए हमने पहले ये टंकी बनाया। टंकी बनाने के बाद इसमें हमने आधा टंकी पानी भरा। पानी भरने के बाद आप देखेंगे कि 30 किलो नंदी की काप की मिट्टी लिया, मिट्टी को छाना और छानने के बाद उसको घोल के इसमें डाला। इसके बाद हमने गाय का गोबर लिया 30 किलो और सुपर फास्फेट 100 ग्राम ऐसे मिलाने के बाद इसको मिलाया और इसको एजोला छोड़ दिया 1 तारीख को। आज देखेंगे कि ये 14 तारीख है। 14 दिनों में ये पूरा टांके में फैल गया है। एजोला एक ऐसा हरी खाद है जो कि रामबाण है। इसको कुक्कुट मछली और पशुओं के चारा का भी काम आता है। इस हरी खाद से आप धान के खेतों में डाल सकते हैं। रोपाई के बाद 20 से 30 दिनों के बीच में डालेंगे तो इतना ही डालेंगे तो ये पूरा 1 एकड़ ज़मीन में ये 15 से 20 दिनों में फैल जाएगा। इस हरी खाद से क्या होता है कि वायुमंडलीय यानी सूर्य के योगीकरण के कारण जो नत्रजन यानी नाइट्रोजन की कमी होती है भूमि को, वो नाइट्रोजन की मात्रा पूरी करता है और अन्य प्रकार के जो खरपतवार होते हैं उस खरपतवार को नहीं उगने देता, क्योंकि इसकी लेयर इस तरीके से हो जाता है पूरे खेत में। जो धान निकला रहता है ऊपर में वो ठीक नीचे का जो अपने देखेंगे कि ये खरपतवार को ऊपर नहीं आने देता है। ये खरपतवार को भी बचाता है, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। और ये जैसे कि गाय होती है, गौ माता को हम इसको आधा किलो प्रतिदिन खिला सकते हैं। आधा किलो देंगे तो उनको पौष्टिक की मात्रा बढ़ाती है और जो दूध होता है दूध की मात्रा भी बढ़ जाती है। अगर अच्छा गाय है, मोटी है, ताजी है तो उसको हम 1 किलो तक खिला सकते हैं, लेकिन आधा किलो ही इसके लिए काफ़ी होता है। इस खाद को सभी उपयोग कर सकते हैं। अधिकतर धान की जितनी किस्में होती हैं उसमें इसको कर सकते हैं। इसका उपयोग करने के लिए हम पहले देखेंगे कि जमीन में, भूमि में जहाँ धान लगाते हैं वहाँ पर पानी होना आवश्यक है, नमी होना, क्योंकि कम से कम 2 से 3 इंच पानी उस खेत में होना चाहिए जब ये फैलने की मात्रा इसकी बढ़ जाती है। अतः आप लोगों से आग्रह करूँगा कि आप यूरिया के जगह पर आप इस एजोला का उपयोग कर सकते हैं, जो कि पशुधन को भी खाने में उपयोग आए और खेतों की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। रखिए देश के हर शहर
हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।